بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين نبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المأسومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. अम्मा बादो, सलामुन अलैकुम जमी वरहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं अपने तमाम मोहतरम उलमाए किराम का, अलबकी ऑर्गेनाइजेशन का और ख़ास तौर से हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद महबूब मेहदी आबिदी साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये एक पूरे तशय्यो की एक ऐसी दुखती रग के जो इसका अब तक मदावा नहीं हो सका। मैं सबके कलाम को नहीं सुन सका, सबके गुफ्तगू को, सब उलमा किराम के फरमुदात को। शुरू में मैं था, उसके बाद फिर मेरा टेलीविजन प्रोग्राम था, लाइव होता है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता था, माहिर रमजान का हर रोज यहाँ पे, तो मैं कुछ देर के लिए चला गया था। फिर उसके बाद मैंने वापस आने के बाद सबको सुना है और मैंने बहुत इस्तेफादा किया। मैं इतना अर्ज करूंगा कि जिस तरह से मौलाना शुरू में फरमा रहे थे कि सामर्रा का जो सानहा हुआ लेकिन उसको दोबारा तामीर कर दिया गया, और मुझे अब तक याद है कि लंदन में इससे बड़ा मुजाहरा और जुलूस नहीं देखा गया जो सामर्रा के हवाले से बरपा हुआ था। मुझे भी उसमें खिताब का मौका मिला, उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना बड़ा इज्तिमा था कि जब मार्बल आर्च से शुरू हुआ है तो जुलूस कई मील का था और उसका यानी इख्तिताम नजर नहीं आ रहा था। और मेरे हिसाब से जो मौलाना ने मशवरा दिया है कि 1000 शहरों में ये डुएबल है, सिर्फ अगर मजलिस उलमा शेख यूरोप हम लोग, यानी मैं खादिम उसका, मेरा दौरा खत्म हो रहा है, अलबत्ता दौरा चहारुम है, इस साल इख्तिताम पे है, इलेक्शन है, तो मेरी सदारत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उसका मेंबर हूं और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर ये कह सकता हूं कि हम सिर्फ यूरोप ही यूरोप में 20 30 शायद 40 शहरों के अंदर मुजाहरा हम यूरोप के अंदर कह सकते हैं कि हो सकता है। बरतानिया ही बरतानिया के 5 से 10 शहरों के अंदर बहुत आसानी से मुजाहरा किया जा सकता है, बहुत आसानी से। हमारे यहाँ तकरीबन पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों की जो इमाम बारगाहें हैं 70 से ज्यादा हैं और हम आसानी से 10 से 20 शहरों के अंदर, शायद इससे भी ज्यादा, हम मुजाहरे बर्पा कर सकते हैं और अच्छे मुजाहरे। लेकिन उसके लिए हमें होमवर्क करना होगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। और पूरी दुनिया के अंदर मैं सफर करता हूं, अगर हम पाकिस्तान में भी कहें तो हम कराची और बड़े शहरों के अंदर अगर इस तहरीक को चलाएं तो वहां पर भी एक खातिर खा, और अगर जाना पड़ा तो शायद लंदन में खुद अगर देखूं तो उमूर यहाँ देखूं, नहीं तो कराची या कहीं, यानी अगर 100 साल हम ये एक जो अहतमाम करना चाहते हैं, और ये कोई किसी पे एहसान नहीं है बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जो आइम्मा बकी की हमारी गर्दनों पे है। और जिस तरह से अभी जो मैंने सुनने में आया, जिस तरह से मौलाना हजरत ने पेश किया कि अगर हम इस 2 साल में जिस कदर हो सके तमाम उलमाए इस्लाम से, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ये चाहें और उनसे तकाजा करें कि वो लोग भी अपने नजरियात लिखें मजारों से मुतालिक, औलिया के मजारों को आया ढाना बिदअत नहीं है, वो खुल के लिखें इन मौजूआत पे, और बहुत से उलमा कि भाई अगर देखा जाए तो अहले बैत और सहाबा के मजारों को गिराया गया है तो उसकी तामीर नौ के लिए तहरीक चलाई जाए। 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं जबकि अभी देखने में आ रहा है कि तुर्की ने दोबारा हरमैन शरीफैन की जो यानी उसकी डायरेक्शन और उसकी पूरी की पूरी कफालत तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने दोबारा तकाजा किया है कि उसकी जो पूरी की पूरी एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको हैंडओवर की जाए। और एक दुनिया के अंदर बहुत तवज्जो से देखा जा रहा है सियासी उमूर को, और मेरे हिसाब से हमें सियासतदानों से भी रुजू करना चाहिए और करना पड़ेगा। जिस तरह से मौलाना ने इशारा किया है कि यूनाइटेड नेशंस में और यूनेस्को के अंदर
और दीगर मकामात पे इसकी आवाज को बुलंद किया गया है। मैंने खुद यूरोपियन पार्लियामेंट में भी तकरीर की है बरतानिया के भी। तो मैं समझता हूँ कि हम इसको इस पूरे के पूरे सिलसिले को आगे बढ़ा सकते हैं, सियासी लिहाज से भी, इज्तिमाही लिहाज से भी। लेकिन हमें बहुत अहमियत देते हुए ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम करना क्या चाहते हैं और हम किस तरह से अपने उस मकसद को हासिल कर पाएंगे। मकालाजात बहुत जरूरी हैं, लेकिन उसको आवाज देना सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए लोगों तक आवाज पहुंचाना बहुत जरूरी। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इजहार करना चाहता था कि मैं हर तरह से जाती तौर पे अपनी जाती कैपेसिटी में और तंजीमी हवाले से जो हमारे यहाँ पे बरतानिया यूरोप में सेटअप्स हैं उस हवाले से और चाहे मजालिस या खिताबत के हवाले से हो, जहां जहां तक आवाज हम पहुंचा सकते हैं। बहुत से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, मेरे अपने जाती सिर्फ उस जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2 लाख से ज्यादा और फेसबुक है, मुख्तलिफ जितने चैनल हैं बहुत ज्यादा हैं, नेटवर्क हैं, बहुत से लोग और चला रहे हैं जो मेरे 80% से ज्यादा जो चला रहे हैं, मैं उनको खुद नहीं जानता। लेकिन मैं अगर कहूंगा तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आइंदा 2 बरसों में सब के सब इस आवाज को, ये जो तहरीक चलाई गई है और ये वाकई तहरीक ही है, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और हम देख सकते हैं कि आइमे अहले बैत आज भी मजलूम है, जनाबे सैयदा सलाम अलैहा आज भी मजलूम है। खुद रसूल अकरम के रोजे की जियारत की इजाजत नहीं दी जाती, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। और एक आदमी वहां पुश्त करके खड़ा रहता है टेक लगा के कि आप यहाँ पे जियारत ना करें और हाथ नहीं लगा सकते, आप सलाम नहीं कर सकते, ये बिदत, इससे बड़ा जुल्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या होगा। और आज भी दुनिया के अंदर 70-80% से ज्यादा मुसलमान जो हैं, या कम से कम चले 60-70% कह लीजिए, वो अहले सुन्नत हैं, वहाबी नहीं है। उनकी आवाज ज्यादा है, उनकी ताकत ज्यादा है हुकूमतों की सपोर्ट की वजह से, लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो वहाबी हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस वक्त पाए जाते हैं और वहां पे भी 10% भी नहीं होंगे मुसलमानों की आबादी का, 10-15% भी नहीं होंगे। तो इसलिए अगर हम अपने तमाम के तमाम यानी तकफीरी सोच वाले तो और भी कम है। अगर आप ज्यादातर वहाबियों में देखें तो वो भी ये नहीं कहते कि मजारों को ढा दिया जाए। तो हमें सबको अप्रोच करना चाहिए कि हम सबको आवाज ये पहुंचाएं कि हम बकी की तामीर चाहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन की कबूर की तामीर, अहले बैत अलैहिस्सलाम की, सहाबा की कबूर की तामीर चाहते हैं। और हमें ये इशू नहीं है कि सहाबा की खबरों की तामीर हो जाए। आईएसएस ने शाम में और इराक में सहाबा के रोजों को गिराया है, शियों ने जाके नहीं ढाया। हजरत अम्मार यासिर का देखें या किसी और का भी, किसी भी आप नाम ले लीजिए, हजरत हुजर के देख लें या जो भी कबूर ढाई गई, मैं नाम नहीं लेता कि एक का नाम लूंगा तो 10 रह जाएंगे। अम्बिया और सहाबा की अगर कबूर को या आइम्मा अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम की अगर कबरों को ढाया है तो तकफीरियों ने या दाइश ने ढाया है, शियों ने हिफाजत की है। ईसाई इलाकों के अंदर भी उनके भी मकामात मुकद्दसा की हिफाजत की है शियों ने, ईसाइयों के भी मकामात मुकद्दसा को ढाने के लिए हमारे शियों ने कभी हिस्सा नहीं। तो मेरे ख्याल में ये एक तहरीक, इसको हमें भरपूर अंदाज से आगे बढ़ाना होगा और पूरा सोशल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया उस पर हमें अगर पैसे दे करके भी अपनी आवाज को पहुंचाना पड़े कि इसको आवाज दी जाए तो मेरे ख्याल में हम पे लाजिम वाजिब। और आइंदा 2 बरसों में अगर मुख्तलिफ लोग अभी से जिम्मेदारियां लें कि हम इतने शहरों की मैं जिम्मेदारी लेता हूं और ये मुख्तलिफ शहर बांट लिए जाएं तो हम 1000 शहरों का या 1200 शहर हम ऐलान करें कि हम 1200 शहरों के अंदर, और ये वो 1200 शहर हैं, या 1400 कर लें, 1400 कर लीजिए तो हम 1200 या 1400 शहरों का ऐलान करें कि हम इन शहरों में करना चाहते हैं और उन शहरों की फिर मुख्तलिफ लोगों से कहें कि भाई हमें नहीं मालूम, आप जिम्मेदारी लेना शुरू करें। और मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान ही के अंदर एक 100 शहरों का बहुत आसानी से ये हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, ज्यादा का। यानी मैं इस वक्त पाकिस्तान के छोटे बड़े मुख्तलिफ शहरों में जो मैं गया हूँ पढ़ने के लिए तो 50-60, और मैं अभी तो दौरा ही नहीं कर सका सिक्योरिटी की वजह से, हमें हर जगह जाने नहीं देते, तो 40-50 से ज्यादा शहरों में तो मैं पढ़ के आ चुका हूँ, और जबकि अभी मैंने आधे से ज्यादा पाकिस्तान मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से 100-120 अगर आप 100 शहर पाकिस्तान के कहें, 100 हिंदुस्तान के कहें और पूरी दुनिया के अंदर, इस तरह से अफ्रीका के तमाम वाले के अंदर उसको कम ना समझें,
न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को इसी तरह से यूरोप अमेरिका के अंदर 40-50 शहरों का यहाँ पे टारगेट रखा जाए, 100 शहरों का अगर टारगेट रखा जाए यहाँ पे, और हम 40-50-70 शहर मिसाल के तौर पे यूरोप में कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। और हमें भरपूर अंदाज से अमेरिका ही अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के अंदर सिर्फ हम 100 शहर अगर हम टारगेट रखें आराम से, तो मेरे हिसाब से ये डुएबल है, अचीवेबल है, हम इसको लेके चलें और इसको अभी से आवाज देना शुरू करें कि हमारा टारगेट क्या होगा। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जहां तक हमारी आवाज है, चाहे वो मजहबी बहुत से ममालिक के जो चैनल्स हैं, जो कैथलिक्स के हैं, आवाज हम पहुंचाएंगे हर जगह पे, जहां जहां तक हमारे रवाबित हैं हम करेंगे, और हम सब मिलके इसके अंदर अगर जो भी जिस तरह से एक ग्लोबल विलेज है दुनिया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया की तशय्यों की हिंदुस्तान पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है, मैं समझता हूँ कि अगर हम सब मिल करके एक अहद कर लें कि आइंदा 2 वर्षों में हमने ये पूरी दुनिया के अंदर तमाम मीडिया के लोगों को, तमाम के तमाम अदियानों मजाहिब को ये आवाज देनी है कि हमारे मुकद्दस तरीन जो हमारी हस्तियां हैं शिया सुन्नी मुसलमानों की, वो जन्नतुल बकी में है और उनकी कब्र को ढा दिया गया 100 साल पहले, और हम चाहते हैं कि 100 साल पे ये जो है वो दोबारा तामीर कर दिया जाए। हत्ता सियासी लिहाज से हमें जहां पे भी आवाज पहुंचानी हो, मैं समझता हूं कि हम पहुंचा सकते हैं। इस वक्त तशय्यो, ये 21वीं सदी तशय्यो की सदी है, 21वीं सदी अहले बैत के मानने वालों की सदी है, 21वीं सदी जनाबे सैयदा के मानने वालों की सदी है, 21वीं सदी सैयदुल शहदा के आजादारों की सदी है। आज अगर जनाबे सैयदुल शहदा के आजादार सद्दाम के इख्तनाक तरीन दौर में, वो कहते हैं कि शायद बनू उमैया बनी अब्बास के बाद इतना जुल्म का दौर ना गुजरा हो जितना कि सद्दाम का दौर, और उसके दौर के बाद जहां तशय्यो का मॉरल डाउन हो चुका था, जो इराक के शिया हैं वो हिजरत करके चले गए थे, जो वहां थे इंतहाई मजलूमियत की जिंदगी गुजार रहे थे, बहुत सों के ईमान मुतजलजल हो गए थे कि 27 साल से पुकार रहे कहां हैं। आज उन शियों ने, इराक के शियों ने साबित कर दिखाया कि अगर दोबारा आजाद हुआ 40 का जुलूस, तो वहां तमाम हमारी माओ बहनों ने जिस तरह से जायरीन के लिए अपने घरों से सारे के सारे हर चीज जो है वो दे दी कि ये लोग आ रहे हैं जुलूसों के लिए, आ रहे हैं मौला सैयदुल शहदा अलैहिस्सलाम के लिए, तो मैं समझता हूँ पूरी तशय्यो का यही अकीदा है, यही जज्बा है। और आप सिर्फ गारे मट्टी की बात कर रहे हैं, अगर हम ऐलान करें कि हम सोने का बनाना चाहते हैं, तो पूरे जन्नतुल बकी को खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि हम लोग अगर ऐलान कर देंगे तो हमारे ऐलान पे हमारी तमाम माए बहने बेटियां अपने सारे जेवर दे देंगी और पूरे जन्नतुल बकी को सोने का बना देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, ये हमारे कौम का जज्बा है। मैं भी ईरान ने जब ऐलान किया था कि हम जनाबे सैयदुल शहदा की जरीह बनाएंगे और मौला अली अलैहि सलाम के रोजे का सोना ईरान से जाएगा और काजमैन की जरी जाएगी, तो यकीन माने वो जो आलिम दीन वहां पे इंचार्ज थे, मैं उनसे मिला आगा अहमदी से, तो वो कहने लगे कि जितना हम लोगों ने कहा था कि इतने किलो हमें सोना चाहिए, उससे ज्यादा आ चुका है। गुज़श्ता हफ्ते एक खातून से मैंने कहा जेवर वापस ले जाओ, का किसी और का वापस करते हैं, मैंने नियत कर ली थी मैं इमाम मूसा कादिम अलैहि सलाम के रोजे की जो सोना लगेगा गुम्बद, उसके लिए सोना मैं दूंगी और मैं नियत कर चुकी हूँ, आप किसी और को वापस कर दीजिए। पूरी दुनिया के शिया इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन खास तौर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के अगर तमाम मोमिनीन से आप कह देंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप ऐलान करेंगे तो हत्ता ईरान और इराक के अंदर बात की जा सकती है, वहां पे भी बड़े पैमाने पे ये बाकायदा जो है जुलूस बर्पा होंगे, और हमारे लिए 1000, 1200, 1400 का हमें टारगेट जो भी हम रखें तो हम बाकायदा वो टारगेट रखें और उसको हम बाकायदा उस पर काम शुरू करें। आज से काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम अपनी आवाज को हर जगह पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।